यूं तो हर परीक्षा कठिन होती है, लेकिन आज हम आपको दुनिया के ऐसे एग्जाम्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें पास करना एवरेस्ट चढ़ने से कम मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको दुनिया का सबसे 5 कठिन एग्जाम के बारे में बताती हूँ जिनके पेपर देने से पहले ही छात्र कांप उठते हैं। तो शुरुआत करते हैं 5वें स्थान से। 5वें स्थान पर है ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्जाम या फेलोशिप परीक्षा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षा में 3-3 घंटे के 4 पेपर होते हैं। हर साल सिर्फ 2 लोगों का चयन किया जाता है। 2010 तक की व्यवस्था के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वालों को एक शब्द दिया जाता था जिस पर लंबा निबंध लिखना होता था। अब इसके बाद 4थे स्थान पर है जेई एडवांस, जिसे पहले आईआईटी जेईई के नाम से जाना जाता था। भारत में आयोजित होने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। आईआईटी में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए इसे क्रैक करना जरूरी है। परीक्षा में 3-3 घंटे के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ हजार ही पास हो पाते हैं। अब इसके बाद टॉप 3 में यानी 3रे स्थान पर है गौका। गौका चीन में एक अनिवार्य परीक्षा है। इसमें हायर एजुकेशन करने का मन बना रहे स्टूडेंट को शामिल होना होता है। परीक्षा 2 दिन में 9 घंटे से ज्यादा समय तक चलती है। एग्जाम देने वालों में से केवल 0.2% ही इतने अंक हासिल कर पाते हैं कि उन्हें देश के टॉप कॉलेजों में एडमिशन मिल सके। अब इसके बाद 2रे स्थान पर है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी विभिन्न सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए हर साल इस परीक्षा का आयोजन करता है। यह परीक्षा 3 राउंड में होती है। पहला राउंड प्रीलिम्स, दूसरा राउंड मेन और 3रे राउंड में इंटरव्यू होता है। यूपीएससी में हर साल लाखों लोग भाग लेते हैं, लेकिन पास होने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। लाखों उम्मीदवारों में से केवल 0.1 से 0.4% ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो फाइनली अब नंबर 1 पर है मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। ये दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह एग्जाम विशेषज्ञ वाइन निर्माता यानी स्पेशलिस्ट वाइन मेकर्स बनने के लिए होता है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला थ्योरी, दूसरा सर्विस और तीसरा है ब्लाइंड टेस्टिंग। ब्लाइंड टेस्टिंग के दौरान छात्रों को यह बताना होता है कि संबंधित वाइन किस वर्ष और कहां बनी है। ज्यादातर छात्र आखिरी चरण में फेल हो जाते हैं। इस एग्जाम में 40 साल में 200 लोग ही पास हो सके हैं। यह परीक्षा कितनी कठिन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों और फैक्ट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।